हेलो गाइस, इस वीडियो पे देखेंगे जावास्क्रिप्ट के एरे के बारे में। जावास्क्रिप्ट एरे आर यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल वैल्यू इन ए सिंगल वेरिएबल। मतलब कि आप एक ही वेरिएबल के अंदर आप कितना भी वैल्यू स्टोर कर सकते हो। तो इसके लिए एक प्रैक्टिकली देख लेते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ और स्क्रिप्ट टैग, जावास्क्रिप्ट लिखना हो तो आपको स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही लिखना होगा। तो मैं स्क्रिप्ट टैग ओपन और क्लोज करता हूँ। मैं यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करता हूँ। इसके लिए मैं लिखता हूँ var x इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आपको वैल्यू लिखना होगा। तो मैं लिखता हूँ BMW टोयोटा और लिखता हूँ जीप और लास्ट में सेमीकोलन। देखो गाइस, मैंने यहाँ पे तीन वेरिएबल दिया था, वैल्यू दिया था। आप जितना भी चाहो दे सकते हो, 100 150 जितना भी चाहो आप यहाँ पे वैल्यू सेट कर सकते हो। इसको कि हम एरे बोलते हैं। तो ये एरो वैल्यू को कैसे एक्सेस करते हैं वो देखिए। आपको यहाँ पे लिखना होगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट और स्क्वायर और ब्रैकेट्स के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको इंडेक्स नंबर लिखना होगा। आप इंडेक्स नंबर 0 लिखिए और यहाँ पे सेमी कॉलन और सेव करिए और यहाँ पे कॉपी फाइल पाथ करिए और ब्राउजर में जाके आप पेस्ट कर दीजिए और आपको 0 पे जो वैल्यू है वो आपको देखा देगा। आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करिए, हमेशा एरे के इंडेक्स 0 से शुरू होता है। जो आप 0 के बदले में 1 कर देते हो और इसको मैं सेव करिए, देखिए आप टॉयटा आएगा। देखिए मैं जब रिफ्रेश करूँगा देखिए टॉयटा आ गया। इसी प्रकार से मैं जब 2 लिखूँगा और सेव करके मैं जब रिफ्रेश करूँगा देखिए ये जी पाएगा। तो आप एरे के लेन देख सकते हो। इसलिए क्या करना होगा, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ और मैं वाई लिखता हूँ और यहाँ पे एक्स डॉट लेंथ लेंथ लिख के आप समीकरण लिखिए और डॉक्यूमेंट डॉट राइट करिए और y की वैल्यू आप सिंपली यहाँ पे प्रिंट कर दीजिए और इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और सेव करिए और ब्राउजर में जाके रिफ्रेश करिए। देखिए आप ये 3 प्रिंट हो रहा है क्योंकि यहाँ पे 3 वेरिएबल है, इसीलिए 3 वैल्यू है, इसीलिए यहाँ पे 3 प्रिंट हो रहा है। आप देखिए कैसे एरे के वैल्यू को कैसे प्रिंट कर सकते हो। देखिए इसके लिए यहाँ पे एक फॉर लूप क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे एक मैं वेरिएबल क्रिएट करता हूँ जो है आई और इसको वैल्यू मैं 0 सेट कर देता हूँ। और आई एरे के लेंथ तक जाएगा तो यहाँ पे वाई लिखना होगा और आई प्लस प्लस करके वो इंक्रीमेंट करेगा और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट राइट करना होगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पे लिखना होगा एरे की वेरिएबल का नेम जो है एक्स और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इसके इंडेक्स नंबर जो है आई होगा और यहाँ पे एक ब्रेक टैग लगाता हूँ डबल स्क्वेयर्स के अंदर एक ब्रेक टैग लगाता हूँ और इसको मैं सेमी कोलन लगा कर सेव करता हूँ और ब्राउजर में जाके मैं जब रिफ्रेश करूँगा तब तो आप देख पाएंगे BMW टोयोटा और जीप ये तीनों वेरिएबल ही आ गया। तो मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट डॉट जो वाई है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और
और यहाँ पे मैं सेव करता हूँ और ब्राउजर में वहाँ के जॉब रिफ्रेश करूँगा, देखिए BMW टोयोटा और जी ये तीनों तीनों वैल्यू आ गया। मैं ऐसा करता हूँ, आपको एरे समझ में आया होगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।